मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं नीट फिजिक्स एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हम ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस पिछले ईयर के नीट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी समझ आएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट रिविजन फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 14. Doubly ionized helium atoms and hydrogen ions are accelerated from rest through the same potential drop. The ratio of the final velocities of the helium and the hydrogen ions is. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमें velocities का ratio चाहिए और हमें ये बताया गया है कि जो potential drop है वो same है। ठीक है, तो अब अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ये रिलेशन देखे कि ई वी नॉट इज इक्वल टू के मैक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो वी नॉट की वैल्यू है, जो पोटेंशियल की वैल्यू है, वो सेम है दोनों ही केस में। ठीक है, और के मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 2EV0 डिवाइडेड बाई एम। अब v नॉट की वैल्यू तो दोनों केस में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर v जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर e बाई एम, क्योंकि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू e बाई एम। ठीक है, अच्छा e और m क्या है, e है चार्ज और m है मास। तो अब यहाँ पे जो दोनों केसेस हैं, फर्स्ट केस में क्या है, हीलियम एटम्स है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स है, और सेकेंड केस में क्या है, हाइड्रोजन आयन्स है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हम अगर चार्ज और मास निकाल लेते हैं तो फिर हम इस वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अच्छा, हमें क्या पता है कि जो चार्ज ऑन हीलियम होगा दैट विल बी 2 times द चार्ज ऑन हाइड्रोजन। ऐसा क्यों, क्योंकि हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है जिसमें 2 protons होते हैं, और हाइड्रोजन का 1 होता है जिसमें 1 proton होता है। ठीक है, तो हीलियम का जब हम चार्ज की बात करेंगे वो 2 times ऑफ चार्ज ऑफ हाइड्रोजन होगा, और जब हम मास की बात करेंगे तो हीलियम का जो मास है दैट इज 4 times द मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जब आप टोटल न्यूक्लियॉन्स की बात करोगे तो हाइड्रोजन के केस में 1 होता है, बिकॉज हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन्स नहीं है, लेकिन हीलियम के केस में 2 protons हैं और 2 neutrons हैं, तो टोटल 4 है। तो मास ऑफ हीलियम जो है वो 4 times का मास ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये रिलेशन हमें पता है, तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं फाइनल वेलोसिटीज का रेशियो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू रूट ओवर चार्ज on helium by mass of helium divided by root over charge of hydrogen by mass of hydrogen। तो इसको हम लिख सकते हैं root over charge of helium by mass of helium into mass of hydrogen by charge of hydrogen। ठीक है, अब इस relationship से charge on helium is 2 times the charge on hydrogen, तो इसको हम लिख देते हैं 2 times द चार्ज ऑन हाइड्रोजन। अब उसी तरह से मास ऑफ हीलियम हो जाएगा 4 times द मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये MH कैंसिल हो जाएगा, EH कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2/4 दैट इज रूट ओवर 1/2। तो हमारा जो फाइनल रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/√2, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। The cathode of a photoelectric cell is changed such that the work function changes from W1 to W2. ठीक है? If the current before and after changes are I1 and I2, all other conditions remaining unchanged, then... तो इस केस में जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो चेंज हो रहा है W1 से W2। इसका मतलब पहले वर्क फंक्शन W1 था, अब वर्क फंक्शन हो गया है W2, मतलब इनफैक्ट वर्क फंक्शन अब बढ़ गया है, पहले W1 से अब W2 हो गया है बढ़ के। ठीक है, अच्छा अब द करंट जो है वो करंट पहले था I1, अब हो गया है I2, तो बेसिकली
हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, केस वन और केस टू. केस टू बिफोर के लिए है, केस वन आफ्टर के लिए है. तो केस वन पहले क्या था, W1, अब क्या हो गया W2. पहले क्या था I1, अब क्या हो गया है I2. तो ये I1, I2 करंट की वैल्यू है, W1, W2 वर्क फंक्शन की वैल्यू है. अच्छा, हमें ये बताना है कि W1 जो है वो W2 से लेस है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. हमें बताना है कि करंट के बीच का रिलेशन क्या होगा. हमें अभी तक क्या पता है कि करंट जो है ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. करंट मतलब करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उस पर डिपेंड करता है करंट. अच्छा, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, वो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो मतलब करंट जो है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. तो करंट का जो है वर्क फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज आई वन इज इक्वल टू आई टू, बिकॉज करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क फंक्शन. करंट का वर्क फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 16. A radio transmitter operates at a frequency 880 kilohertz and a power of 10 kilowatts. The number of photons emitted per second is. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, frequency दिया हुआ है और यहाँ पे power दिया हुआ है. हमें क्या पता है power क्या होता है, power is energy per unit time. और energy हम कैसे निकालेंगे frequency के term में. अच्छा, एनर्जी क्या हो जाता है, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू. ठीक है, तो यहाँ पे जब मतलब जब बल्क में लाइट निकल रही है या बल्क में रेडिएशन निकल रहा है तो उसमें एक फोटोन तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे फोटोन्स होंगे. तो कितने फोटोन्स है वो हमें पता नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एन फोटोन्स है. तो एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, एन एच न्यू. तो पावर हो जाएगा एन एच न्यू डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, पावर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 10 किलो वॉट्स. इसको हम वॉट्स में चेंज कर लेते हैं, दैट इज 10 इंटू 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स. तो 10 किलो वॉट हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट्स. दिस इज इक्वल टू एच इन एन इंटू एच इंटू न्यू दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 880 किलो हर्ट्स. 1 किलो हर्ट्स है 1000 वॉट हर्ट्स. तो 880 के साथ हम 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे. डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, हमें फोटॉन्स निकालने हैं पर सेकंड, यानी कि टाइम है 1 सेकंड. तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 880 इंटू 10 टू द पावर 3. तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.00172 इंटू 10 टू द पावर 34 या फिर 1.72 इंटू 10 टू द पावर 31. तो इतने फोटोन्स एमिट होंगे पर सेकेंड. तो करेक्ट ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 17. An atom absorbs a photon of wavelength 500 nanometers and emits another photon of wavelength 700 nanometers. Find the net energy absorbed by the atom in the process. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये atom कुछ wavelength absorb कर रहा है और कुछ wavelength emit कर रहा है. तो net क्या हो जाएगा, कितना absorb कर रहा है. तो पहले देखते हैं energy कितना absorb किया और कितना emit किया. तो सबसे पहले देखते हैं energy absorbed, ये क्या हो जाएगा hc by lambda. ठीक है, तो यहाँ पे hc तो कांस्टेंट है, lambda की वैल्यू है 500 nanometers. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हम देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी रिलीज किया है, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा फिर से hc by lambda और यहाँ पे lambda की वैल्यू हो जाएगी 700 nanometers. तो 700 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 9 मीटर्स. अब दोनों में से कौन सी वैल्यू अधिक है, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा है उसकी ओवरऑल वैल्यू अधिक है. तो डिनोमिनेटर एब्जॉर्ब्ड का छोटा है, तो यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो एनर्जी रिलीज से अधिक है. तो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा इस पूरे प्रोसेस में. तो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा hc by 500 into 10 to the power minus 9 minus hc by 700 into 10 to the power minus 9. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी hc by 10 to the power minus 9 1 by 500 minus 1 by 700. तो ये हो जाएगा hc by 10 to the power minus 9 into 2 by 3500.
तो इस अब इसमें H और C की वैल्यू डाल देंगे हम 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 into 2 divided by 10 to the power minus 9 into 3500. तो इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 1.1 into 10 to the power minus 19 joules. तो ये हो जाएगा नेट एनर्जी जो इस एटम ने इस पूरे प्रोसेस में अब्सॉर्ब किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का फीडबैक या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो सच में बहुत पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।